गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अमित फिर से आप लोगों को एक बार अपने वेबसाइट मेकर किंग में स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारी वेबसाइट डेवलपमेंट की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने आप लोगों को एडवांस कस्टम फील्ड के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। तो जैसे कि पहले वीडियो में मैंने अभी अपलोड कर दिया हूँ, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके उसको देख सकते हो, हाउ टू यूज एडवांस कस्टम फील्ड प्लग इन योर वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके इसको देख सकते हैं। तो इस पहले वीडियो में जो है हमने आप लोगों को बताया था कि आप कोई एक थीम सेलेक्ट कर लो और कोई भी फ्री थीम सेलेक्ट करके अपना उस पर काम करो। तो मैंने एक थीम सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। उस थीम का नाम है यूनिकॉर्न लाइट थीम। ये फ्री थीम है, तो इससे जो है थोड़ी सी जो है हमारी स्ट्रक्चर अच्छी दिख रही है वेबसाइट की, थोड़ा सा देखने में अच्छा लग रहा है, उसके पहले अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब इसी पे हम काम करेंगे, ठीक है, इसी थीम पे हम काम करेंगे, ठीक है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो बाकी आप सजाने वजाने का काम आप कर सकते हो, आपने खुद में बता ही दिया हूँ, तो ठीक है। तो इसी थीम पे हम काम करते हैं, ठीक है। इस थीम का नाम है यूनिकॉर्न लाइट, ठीक है। तो पहले वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने आप लोगों को बता दिया था बेसिक कैसे यूज करते हैं एसीएफ। अब मैं उससे थोड़ा सा एडवांस बताऊंगा, ठीक है। तो क्या है कि अब जो है हम एक एसीएफ का यूज करके जो हमारे यहाँ पर कस्टम फील्ड डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, यहाँ एक हम नया ऐड करेंगे, ठीक है, एक कस्टम फील्ड ऐड करेंगे, ठीक है। उस कस्टम फील्ड मान लो जैसे कि हम एक नाम दे देते हैं यूजर, ठीक है, उस फील्ड का नाम दे देते हैं यूजर, यूजर इंफॉर्मेशन, ठीक है, यूजर इंफॉर्मेशन नाम का हम एक फील्ड बनाते हैं। इस फील्ड के अंदर मतलब यूजर इंफॉर्मेशन नाम का एक फील्ड बनाते हैं, ग्रुप ऑफ फील्ड बनाते हैं, समझ रहे हो, ग्रुप ऑफ फील्ड बनाते हैं। मतलब ये जो है ग्रुप ऑफ फील्ड है, इसलिए ग्रुप ऑफ फील्ड है क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल हम फील्ड ऐड करेंगे, इसलिए ग्रुप बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम फील्ड ऐड कर देते हैं, उसका नाम देते हैं यूजर नेम कर देते हैं, ठीक है, यूजर नेम कर देते हैं। एक और फील्ड ले लेते हैं यूजर मोबाइल कर देते हैं, ठीक है। एक और फील्ड ले लेते हैं, उसको हम कर देते हैं यूजर फोटो कर देते हैं, ठीक है, यूजर फोटो कर देते हैं, ठीक है। एक और फील्ड ले लेते हैं, हम बोल देते हैं यूजर डिस्क्रिप्शन कर देते हैं, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन कर देते हैं और इसके फील्ड टाइप में आपको पता ही है, फील्ड टाइप में जाके जो भी हमें टाइप चाहिए, टेक्स्ट एरिया चाहिए कि टेक्स्ट चाहिए कि नंबर चाहिए कि रेंज चाहिए कि ईमेल है चाहिए कि यूआरएल चाहिए कि पासवर्ड चाहिए कि इमेज चाहिए कि जो भी चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये हमारे डिस्क्रिप्शन है, तो जब हमारा ये डिस्क्रिप्शन है तो हम इस डिस्क्रिप्शन में जो है, ठीक है, ये हमारा जो डिस्क्रिप्शन है तो इस डिस्क्रिप्शन के लिए हम फील्ड टाइप में टेक्स्ट नहीं ये यूज करेंगे, वॉइसिंग एडिटर यूज करेंगे, ठीक है। वॉइसिंग एडिटर यूज मतलब जैसे वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट यूज करता है उसी तरह ये भी बन जाएगा, अब देखोगे, ठीक है। और इसको कहाँ पर डिस्प्ले कराना है, इसको हमें जो है पोस्ट टाइप इज इक्वल टू पोस्ट नहीं कराना है, हमें इसको डिस्प्ले कराना है पोस्ट टाइप इक्वल टू पोस्ट पे नहीं, पेज पे कराना है, मतलब इसे जो है पेज पे आप लोगों को डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जाके इसको कर देते हैं पब्लिश। अब ये पब्लिश कर दिया तो ये चीजें जो है हमारी सेव हो गई, ठीक है। और ये जो नेम है ना, ये इसी का मेन काम है, इसको मेटा की बोलते हैं, ठीक है। ये जो नेम बना है ना, ये हमने तो इसको डाला, ये बाय डिफॉल्ट अपने से बना। ये देखो जब आप यहाँ पर फील्ड लेवल में डाल रहे थे तो ये यूजर नेम अब ऑटोमेटिक बना, ठीक है। यहाँ से फील्ड टाइप में जो भी आपको लेना है वो ले रखा है आपने, ये तो मैं बताया हूँ आपको, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है ना, हमारा एक यूजर है वो बोलता है कि सर आप एक ही चीज को बार बार बोलते हैं। यार मैं बार बार किस लिए बोलता हूँ, ठीक है, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए, क्योंकि मैं भी जब फ्रेशर था ना तो कोई चीजें समझ में नहीं आती थी, तो उसको बार बार सुनना पड़ता था। तो आप लोगों को बार बार सुनना ना पड़े, आप लोग मेरा एक वीडियो देख लो, अच्छे से देख लो, आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत ना, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाता हूँ, मेरा कोई पर्पज नहीं है, मेरा सिर्फ यही पर्पज है कि आप लोग सीखो और अपने कैरियर को बनाओ, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसमें जो है मैं आप लोगों को
एसीएफ का बता रहा हूं, और एसीएफ के बारे में एक और चीज बता दूं, एसीएफ यदि आप लोग भाई सीख गए, ठीक है, मैं सीरीज बनाता चला जाऊंगा, ठीक है, अभी तो दूसरी है। जब आप लोग एसीएफ एक बार सीख जाओगे ना, तो आप वर्डप्रेस को यूं चुटकियों में नचा दोगे, जो चाहे वो आप डायनेमिक बना सकते हो, जो भी चीज आप डायनेमिक बना सकते हो, ठीक है। डायनेमिक मतलब यूजर भरेगा इंफॉर्मेशन, वो डाटाबेस में सेव होगा और उसको आप जहां चाहो वहां पर डिस्प्ले करा सकते हो, ठीक है ब्रो। तो आप कोई भी वेबसाइट को डायनेमिकली हैंडल कर सकते हो इस प्लगइन का यूज करके एसीएफ। ये समझ लो एक तरह से रामबाण है, इसको ध्यान से आप लोग करना, भूलना मत, ठीक है। बाकी तो एसीएफ के बारे में आप सर्च करोगे जो प्लगइन का डॉक्यूमेंटेशन भी इसकी बेस्ट है, आप वहां से भी पढ़ के अच्छे सीख सकते हो, और मेरी वीडियो से भी मैं बता देता हूँ, और यहाँ से भी आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगा। और यदि मेरी वीडियो यदि आप लोग ध्यान से देख लिए तो यहाँ आपको जाने की जरूरत ही नहीं है इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे, आपका काम यहीं से हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो हमारी डाटा है, अब इसको जो है पेज पे डिस्प्ले करना, और मैंने एक पेज आप लोगों के लिए बना रखा है। मतलब क्या होता है ना, जब हम लोग बनाते हैं वीडियो तो थोड़े से प्रैक्टिस करके आते हैं, मतलब क्या आप लोगों को देखा, थोड़ा माइंड सेट करके आते हैं। तो मैंने देखिए पहले ही से आप लोग को एक फील्ड बना लिया ना, एसीएफ फील्ड एग्जांपल के नाम से एक पेज मैंने बना लिया। अब ये पेज कैसे बनता है, वेरी सिंपल है, आपको पेज पे जाना है, एड न्यू पे जाना है, यहाँ पे कुछ भी कर दो वहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहीं से जाके एड न्यू करके एक पेज बना लिया, उस पेज का नाम है एसीएफ फील्ड एग्जांपल, ठीक है दोस्तों। अब एसीएफ फील्ड एग्जांपल के ऊपर ये चीजें जो है आने लगी, ठीक है, ये चीजें आ गई, देखो वॉइसिंग एडिटर बिल्कुल वर्डप्रेस जैसा है ना, ये देखिए यहाँ पे है ना, इसीलिए वहां पे मैंने लिया है, ठीक है, वॉइसिंग एडिटर इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है, देखिए जी, ठीक है। तो आते हैं, अपना एडिटर भी खोल देते हैं, फील्ड, इस फील्ड के अंदर, इस ग्रुप ऑफ फील्ड के अंदर मल्टीपल फील्ड, ठीक है, ये चीजें जो है हमारे यहाँ पर पेज पर डिस्प्ले हो रहा है। अब जो है हम यहाँ पे जाके अपना यूजर नेम भर देते हैं, यूजर का मोबाइल डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ठीक है। यूजर का फोटो देखो यहाँ गलत है, अब हम यहाँ से चेंज करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे टेक्स्ट ले रखा है, यहाँ पर टेक्स्ट नहीं, यहाँ पे हमें चाहिए फील्ड टाइप में, यहाँ पे चाहिए फोटो, हम यहाँ पे इमेज कर देंगे, ठीक है, इमेज करके आप फिर से अपडेट करो। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो टेक्स्ट आ रहा है, अब यहाँ पे रिलोड करो ऐसे आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब आपका एड इमेज का ऑप्शन, ठीक है, तो नाम लिख लेता हूँ, यूजर नेम दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, बाकी मेरा नंबर तो आप लोगों को पता ही है, तो यहाँ पे देने की क्या जरूरत है, ठीक है। और यहाँ पे जो हूं मैं कोई भी डमी टेक्स्ट उठा लेता हूँ, इसी को कॉपी कर देता हूँ ना, यहाँ पे मैं कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने कहीं से कॉपी किया था, ये कॉपी नहीं हुआ है, इसलिए ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे कुछ और लिखा है, यहाँ पे कुछ और हो गया, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है आप लोग। तो आप इसको थोड़ा सा इटैलिक कर देते हैं, ठीक है, ओके। अब जो है हम यहाँ से अपडेट करते हैं, देखिए अपडेट करने के बाद जो है, ये तो मैंने अपडेट कर दिया, अब ये सब चीजें तो यहाँ पे अपडेट हो गई, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे व्यू करूंगा ना, तो ये चीज मेरे को दिखाई नहीं देगी, डिस्प्ले नहीं होगी, ठीक है। और वही यदि मैं अबाउट अस की बात करें, तो अबाउट अस पे जो कंटेंट आ रहे हैं, इसको मैं एडिट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं एडिट करूंगा, अभी मैं इसने को बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं बोल्ड कर देता हूँ, अपडेट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। और इसको मैं व्यू करता हूँ, ठीक है, तो देखिएगा क्या, जब मैंने इसको मैं व्यू करूंगा, तो ये देखिए ये काम हो रहा है ना, ये बोल्ड भी आ रहा है, सारा कुछ हो रहा है कि जो मैं यहाँ से कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ ये क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। ये भाई इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये वर्डप्रेस का डिफॉल्ट टेम्पलेट यहाँ पे यूज हो रहा है, और जबकि हमने कस्टम फील्ड जो अपना बनाया है एसीएफ का यूज करके, एडवांस कस्टम फील्ड का, ये जो हम फील्ड बनाए हैं यहाँ पे, इनके लिए हमें अपना खुद का एक टेम्पलेट बनाना पड़ेगा।
या अपना खुद का आप टेम्पलेट नहीं बना लोगे, तो ये जो बाय डिफॉल्ट इसकी वर्डप्रेस की टेम्पलेट चल रही है उस टेम्पलेट के ऊपर अपना इसका कोडिंग रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका मेटा की वगैरह जो है, मतलब ये जो टेम्पलेट, इसके लिए जो टेम्पलेट चल रहा है, हमने यहाँ पे गया एडिट किए, सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है, इसको मैं इटैलिक कर देता हूँ इतना, ठीक है, तो अपडेट किया, तो ये वर्डप्रेस की डिफॉल्ट टेम्पलेट चल रही है। तो जो भी हम यहाँ पे करेंगे वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, यहाँ पर इस केस में देखिए इटैलिक हो गया ना, यहाँ मैंने यहाँ पे इटैलिक कर दिया इस पे, तो यहाँ भी इटैलिक हो गया, बोल्ड किया यहाँ पे, यहाँ बोल्ड, तो ये वर्डप्रेस की डिफॉल्ट चल रही है फंक्शनलिटी, ठीक है, डिफॉल्ट पेज की चल रही है। लेकिन हमें जो है अपना जो हमने बनाया है एसीएफ फील्ड, मतलब ठीक है, एसीएफ जो फील्ड मैंने बनाया है यूजर इंफॉर्मेशन, इसकी इंफॉर्मेशन जो है मैंने इस पेज पे तो डाल दी, लेकिन इसके लिए मैंने कोई टेम्पलेट नहीं बनाया। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं, पहला कि तो मैं खुद का टेम्पलेट बना के इन सब सारे को मैं गेट कर लूं, गेट करके जैसे यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा वैसे मैं इसको भी डिस्प्ले करा दूं, ठीक है, इसको भी मैं डिस्प्ले करा दूं, इसको भी मैं यहाँ पर डिस्प्ले करा दूं, जैसे वहां पर डिस्प्ले हो रहा है, जैसे अबाउट अस का हो रहा है वो यहाँ पर मैं डिस्प्ले करा दूं। और दूसरा है कि ये जो पहले से जो इसकी टेम्पलेट चल रही है इसी के अंदर इस कोड को रख दूं, ठीक है, इस कोड को रख के, एसीएफ के कोड को रख के यहाँ पर डिस्प्ले करा दूं। तो क्या होता है ना कि इस सिचुएशन में आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन जनरली जो होता है लोग अपना टेम्पलेट ही बना लेते हैं, इसलिए बना लेते हैं क्योंकि हम एसीएफ यूज कर रहे हैं, हर चीज हम जब वर्डप्रेस की प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटी से डिफरेंट काम कर रहे हैं, ठीक है, इसकी जो प्री डिफाइंड फंक्शन चल रहा है उससे अलग हम काम कर रहे हैं, जो डिफॉल्ट टेम्पलेट को छोड़ के हम अलग पे काम करना चाह रहे हैं, तो हम अपने लिए टेम्पलेट बनाएंगे, ठीक है। बाकी यदि आप चाहो तो ये जो बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट वर्डप्रेस चल रही है इस पे भी इस कोड को रख सकते हो। कैसे रखोगे, इसकी जो है ना अब डाटाबेस, ये सब चीजें जो है ना, ये सब यूजर नेम, यूजर मोबाइल, सब डाटाबेस में स्टोर हो रही है हमारे, ठीक है। तो अब इसकी डाटाबेस को खोलोगे, लोकल होस्ट पीएचपी माई एडमिन, इसका डाटाबेस है ADWMK, ठीक है। तो ये सब जो भी इंफॉर्मेशन सेव होती है वो पोस्ट मेटा में सेव होती है, ठीक है। अब देखो ये पोस्ट मेटा में जो भी है इंफॉर्मेशन, इसकी पोस्ट मेटा में सारी की सारी इंफॉर्मेशन सेव होती है। अब देखो यहाँ पे आप लोग को ना थोड़ा मोड़ा डाटाबेस का भी ज्ञान हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होता है कि आप लोग जो भी है इसके कंटेंट वगैरह, अब देखो यहाँ पे सारे के सारे चीज मिल जाएंगे जो हमने यहाँ पे किया है ना। जैसे अमित, देखिए अमित आ गया, 123 आ गया, देखिए, ठीक है। ये यूजर नेम जो है, यूजर मोबाइल नंबर, ये मेटा की है, ठीक है। और मेटा की क्या है, मेटा की आप इसको बोल सकते हो, ये जो बन रहा है ना यूजर नेम, यूजर मोबाइल नंबर, यूजर फोटो, यूजर डिस्क्रिप्शन, ये जो है मेटा की है हमारी, ठीक है दोस्तों, ये जो है मेटा की है। तो वैल्यू कोई भी सेव होती है वो मेटा की में सेव होती है, मेटा की बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटा की जो फॉर्म ऑफ मोर इन्फॉर्मेशन, किसी भी चीज को जो स्टोर करते हो वो मेटा की के थ्रू ही आपके डाटाबेस में सेव होती है, और मेटा की के थ्रू ही आप उसको फैच करते हो, मेटा की के थ्रू ही आप उसको डिस्प्ले करते हो। तो आप चाहते हो तो इसको डायरेक्ट इस मेटा की को यूज करके पीएचपी इको डू सॉर्ट, पीएचपी का यूज करके पीएचपी को एड मेटा करके आप इसको गेट कर सकते हो, एड पोस्ट मेटा करके, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। नहीं तो ये जो है, ये जो अपनी ट्यूटोरियल बता रही है कि कैसे इसको गेट करना है, बहुत ही अच्छा सिंटेक्स दिया है कि यदि फंक्शन बना दिया, फंक्शन बनाने के बाद रिक्वायर्ड के बाद फंक्शन फील्ड का नाम लिख दिया, ठीक है, उसको गेट करा लिया। तो बहुत तरीके हैं किसी भी चीज को गेट करने के लिए। यदि आप सिंपल करना चाहते हो तो गेट पोस्ट मेटा के थ्रू आप इसकी वैल्यू गेट कर सकते हो। लेकिन मैं यही कहूंगा, यदि आप जब ACF का यूज कर रहे हो, तो प्लगइन का आप यूज कर रहे हो, तो ACF के डॉक्यूमेंटेशन को आप यूज करो, ठीक है, तभी मजा है। ताकि ACF का डॉक्यूमेंटेशन आप यूज करोगे तो सारा का सारा कुछ आपको इजीली मैनेज करोगे, और यहाँ पे यदि आप इसका भी यूज करोगे तो इसमें थोड़ा सा आपको एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यदि आपको इसकी भी नॉलेज नहीं है, लेकिन यदि इसकी डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करोगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी पीएचपी माई एडमिन के लिए डिस्प्ले कराने के लिए, आप यहीं से कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारी इंफॉर्मेशन सेव तो हो गई है डाटाबेस में, जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो हम डाटाबेस में सेव हो रही है, हो गई है, देख लिए, अब इसको बंद कर देते हैं डाटाबेस को। अब हम ACF का यूज करके जो है इसके डॉक्यूमेंटेशन को यूज करके इसको गेट करेंगे अपना एक नया टेम्पलेट बना के, ठीक है। तो
टेम्पलेट बनाने के लिए चलते हैं इसके कोर फाइल में, जहां पे हम जाके। हाँ तो दोस्तों अब हम जो है एक टेम्पलेट बनाएंगे, ठीक है। टेम्पलेट बनाने के लिए क्या करना होता है आप लोग को बताया ही हूं मैं आपको। सबसे पहले जहाँ पे आपकी डॉक फाइल है, जहाँ पे हम लोग लोकल होस्ट रखा रहता है, उसमें जाना है, ठीक है। जैसे हमारे लोकल होस्ट में हमने जैम नाम का फोल्डर के अंदर, ठीक है, यहाँ पे हम लोकल होस्ट जहाँ पे हमारी सर्वर होती है, जिसपे हम यूज करते हैं अपाचे ऑन करके, जिसके जैसे ये हुआ, इसको हम ऑन करके, ठीक है। तो ये एक फोल्डर में होता है जिसको जैम बोलते हैं, जैम नाम का सॉफ्टवेयर है, मैंने इंस्टॉल किया है, तो सी ड्राइव में, तो मैं गया जैम के अंदर, ठीक है। जैम के अंदर एक बार एस टी डॉक्स के अंदर जाना है। एस टी डॉक्स के अंदर आप जब जाओगे तो एस टी डॉक्स के अंदर आपकी फाइलें पड़ी होती है, तो हमारा आप देखिए तो यहाँ पे हमारी फोल्डर पड़ी हुई है, और उस फोल्डर का नाम है ये देखिए ADWMK एडवांस वेबसाइट मेकर की, इसका फुल फॉर्म, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसके इस फोल्डर के अंदर गए, फिर WP कंटेंट के अंदर, थीम के अंदर जो हमारी थीम होती है यूनिकॉर्न, इस थीम को ओपन कर लिया। यहीं पे जो है हमने सेव कर लिया एक टेम्पलेट, ठीक है, एक टेम्पलेट बना लिया। टेम्पलेट बनाने के टेम्प नेम ले लिया, यहाँ ACF टेम्पलेट का नाम दे दिया, ACF टेम्पलेट, ठीक है। गेट हेडर से मतलब ये जो है हेडर आती है, ठीक है, ये हेडर का यूज होता है, यदि आप इसको हटा दोगे तो ये हेडर नहीं आएगा। सपोज अभी देख लेते हैं, आप इसको सेव कीजिए, अब देखिए देखिए हेडर नहीं आया ना, तो गेट हेडर से हेडर आता है, ठीक है ब्रो। और गेट फूटर से इसका जो फूटर है ये फूटर वाला आएगा, ठीक है, ये जो फूटर है ये गेट फूटर से, ठीक है। तो इसके बीच में अपना कोड लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे जो है अपना ACF का बना दिया, और ACF को बनाने के बाद ये हम यहाँ से टेम्पलेट असाइन कर लिए। पहले तो बाई डिफॉल्ट डेरी था जो वर्डप्रेस का था टेम्पलेट, जब बाई डिफॉल्ट वर्डप्रेस का टेम्पलेट है तो आप इसको व्यू करके देखोगे, ठीक है। जब आप इसको व्यू करके देखोगे तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप इसको टेम्पलेट जो मैंने यहाँ पर नाम दिया है ACF टेम्पलेट उसको कर दोगे, मतलब जो ACF के लिए मैंने टेम्पलेट बनाया है, ठीक है, असाइन करने के बाद आप यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा अमित कुमार गुप्ता। अमित कुमार गुप्ता इसलिए दिखा आप लोग को क्योंकि यहाँ जो वैल्यू आ रही है यूजर नेम, ये अमित कुमार गुप्ता है। अब यदि मान लीजिए मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेबसाइट मेकर किंग, ठीक है, सपोज, ठीक है। अब मैं इसको पब्लिश अपडेट करता हूँ, मतलब पब्लिश करता हूँ, तो अभी यहाँ पे अमित आ रहा है, तो जब इसको रिलोड करोगे तो यहाँ पे वेबसाइट मेकर किंग आ गया, मतलब ये डायनेमिक हो गया, ठीक है। तो ये बात बनती है कि ये हम ला कैसे रहे, तो कुछ नहीं है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। मैंने ACF यूज कर रहा हूँ तो ACF की डॉक्यूमेंटेशन को मैंने खोला है, तो जब आप डॉक्यूमेंटेशन को खोलोगे तो यहाँ पे इसने फंक्शन दे रखा है, ठीक है। यहाँ देखिए जब फंक्शन फाइल पे आप जाओगे ना, डॉक्यूमेंटेशन आप खोलोगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पर फंक्शन दिखेगा, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन इसमें 34 आर्टिकल है फंक्शन, मतलब 34 तरह के फंक्शन इसने बना रखे हैं ACF में, ठीक है। तो आप यहाँ पे आइए, नीचे जब आएंगे तो आपको दिखी यहाँ पर दिखा है, यदि गेट फील्ड यदि करेंगे तो रिटर्न द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक फील्ड का जो भी वैल्यू होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं गेट फील्ड किया है, ये जो है फंक्शन मैंने यूज किया गेट फील्ड, और यहाँ पे ये जो है यूजर नेम क्या है, यूजर नेम है मेटा की, मेटा की मतलब ये देखिए जब आप ACF बनाओगे तो आप यहाँ पर देखोगे यूजर की, ठीक है, ये मेटा की है, इसी का आप यूज करो, ठीक है, समझ में आया आपको, इसी का यूज कर रहा हूं। तो आप करना क्या है, जैसे कि अभी यहाँ पर देखिए जब आप इसके डॉक्यूमेंट्स करोगे ना, तो आपको इस पे जो भी फील्ड के चाहिए, विद एग्जांपल आप ये समझ लीजिए कि गेट फील्ड है तो रिटर्न द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक फील्ड, गेट फील्ड ऑब्जेक्ट यदि आप यूज करोगे तो रिटर्न द सेटिंग ऑफ द स्पेसिफिक, गेट फील्ड ऑब्जेक्ट्स करोगे तो रिटर्न द सेटिंग ऑफ ऑल फील्ड सेव इन स्पेसिफिक पोस्ट के अंदर, जो भी सेव होगा वहां पे आ जाएगा। गेट फील्ड्स करोगे तो रिटर्न ए एरे, मतलब गेट फील्ड्स यदि कर दोगे तो एरे के लिए यूज होगा, रिटर्न द एरे वैल्यू, जैसे नेम हो गया उसकी वैल्यू हो गई और स्पेसिफिक पोस्ट हो गया, और द फील्ड का यूज करके डिस्प्ले द स्पेसिफिक फील्ड का यूज करोगे आप। तो ये सब इसकी फंक्शन है, लूप के लिए क्या है, लूप में गेट रो है, ठीक है, गेट रो इंडेक्स है, मतलब सारा कुछ आप यहाँ से मैनुअली इजी कर सकते हो, कुछ नहीं करना होता, इस पे होवर बन रहा है ना, आप इसको क्लिक कर दो, जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे ना, ये देखिए अब गेट फील्ड का क्लिक कर दोगे यहाँ पे, तो आपको ये एग्जाम्पल दे देगा, मतलब ये रिटर्न द स्पेसिफिक फील्ड वैल्यू, इसको यूज कैसे करना है। तो गेट फील्ड आपको फंक्शन लिखना है, फिर सेलेक्टर लिख देना है, फिर पोस्ट की आईडी लिख देनी है, फिर पोस्ट फॉर्मेट वैल्यू लिख देनी है। इसमें बता क्या रहा है कि सेलेक्टर मेन होता है, सेलेक्टर मेन मतलब जो है
फील्ड की, मतलब जो ये मेटा की है ये मेन होता है, अब बाकी सब ऑप्शनल है, वही ये बता रहा है। ठीक है, सिलेक्टर रिक्वायर्ड है, ठीक है, रिक्वायर्ड द फील्ड नेम और फील्ड की। ठीक है, पोस्ट आईडी हो गया, ठीक है, ये भी ऑप्शनल है, आप दे सकते हो। पोस्ट आईडी क्या हुआ, जैसे ये देखो क्या होता है ना, जब मल्टीपल एसएफ यूज करोगे तो एक देखिए यहाँ पे एक आईडी आ रही है, देखिए पोस्ट आईडी ये होगी। कोई भी पेज आप एडिट करते हो ना तो यहाँ पे एक यूनिक आईडी आपको आती है, ठीक है, तो वो इस आईडी की यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, वैल्यू फॉर्मेट मतलब जो भी उसकी फॉर्मेट वैल्यू लिखना है, तो आपने ये देखिए अब ये समझ लिया आप इसको जो है बता रहा है कैसे करना है। तो एक ने वैल्यू नाम का वेरिएबल ले लिया है, उसके अंदर गेट फील्ड कर दिया है, और टेक्स्ट फील्ड मतलब इसका जो है नाम यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, लिखना है आपको, फिर इसको इको करा देना, और गेट द वैल्यू फ्रॉम स्पेसिफिक पोस्ट, यदि स्पेसिफिक पोस्ट के लिए है तो यहाँ पे जो है आपका फील्ड हो गया, मतलब मेटा की हो गया, ये वाला जो मेटा की हो गया, उसके साथ साथ ये आईडी हो गया, ये पोस्ट की आईडी हो गई। ठीक है, ये वाली आईडी यहाँ पे यूज हो जाएगी, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, तो इसकी जनरली इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, इतने से ही आपकी बात बन जाती है। ठीक है, तो वही आप देखिए, और करा इफ वैल्यू एग्जिस्ट, यदि आप चेक करना चाहते हैं कि गेट फील्ड टेस्ट की वैल्यू है, इफ वैल्यू एग्जिस्ट है तो इको, नहीं तो इनपुट ही आ जाए। ठीक है, तो ये सब गेट वैल्यू फॉर्म द डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ये सब सारे मल्टीपल मतलब दिया है आपको एग्जाम्पल, आपको जो भी करना है आप कर सकते हो, लेकिन आपका काम बस इतने से हो जाएगा। और इसको जो है मैं यहाँ पे अपने टर्म में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो गेट फील्ड हो गया, मतलब ये प्री डिफाइंड फंक्शन है एसीएफ का, इसको किसी भी वैल्यू वेरिएबल में ले लिया मैंने, डॉलर वैल्यू नाम की एक वेरिएबल में इसको असाइन कर दिया गेट फील्ड की। यहाँ यूजर नेम है, यूजर नेम मतलब यही मेटा की हो गई, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जबकि आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, मेटा की मतलब ये आपकी हो गई मेटा की, ये नेम है, इसी से काम होगा। अब सपोज जो है हमें क्या करना है कि मोबाइल की भी वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले करानी है, अभी तो नाम आ रहा है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा अच्छे से करा लेते हैं, तो थोड़ा सा काम करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं नेम नेम कर दिया कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे जो है आपका अमित आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा नेम। ठीक है, नेम तो यूजर नेम कर देते हैं, यूजर, ठीक है, यूजर नेम। ठीक है, अब इसी को जो है आप कॉपी कर लीजिए, ऐसे कॉपी करने के बाद जो है आप पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे जो है मेटा की क्या है, अब उनको इसकी मोबाइल नंबर चाहिए यूजर का, तो जाते हैं यहाँ पे यूजर, ये इस पे क्लिक करते हैं हम, यहाँ पे इसको मतलब ऐसे ही आपको यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल करना है, और ये डायनेमिक आपकी शो हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर लिख लीजिए मोबाइल, ठीक है। अब देखिए, अब जब आप इसको रिलोड करोगे तो जो मोबाइल है यूजर का, ठीक है, वो भी आ गया। ठीक है, मोबाइल भी आ गया, लेकिन यार ये क्या है ना कि हम मोबाइल गेट कर रहे हैं तो ये यहाँ पर तो मैंने दे दिया, तो अब हम यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा ना यूजर फ्रेंडली बना देते हैं ना, तो लिख देते हैं यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम नाम का एक वेरिएबल बना देते हैं। ठीक है, यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम का एक वेरिएबल बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसको गेट कर लेते हैं, मतलब यूजर का नाम आएगा यूजर नेम। ठीक है ब्रो, अब ठीक है, इसके बाद एक यहाँ पर ब्रेक लगा देते हैं, ब्रेक इसलिए लगाएंगे लाइन ब्रेक करने के लिए, अभी देखेंगे आप यहाँ पे तो एक ही लाइन में आ रहा है ना इसलिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर ब्रेक कर दीजिए। ठीक है, ब्रेक जो है नॉन इम्पटी टैग, कई बार इंटरव्यू में पूछ भी देते हैं क्वेश्चन ब्रेक क्या होता है, तो ब्रेक जो भैया होता है नॉन इम्पटी टैग होता है, मतलब इसको ओपन करने के बाद क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है जी,
अब जो है यहाँ पे म्यू मोबाइल है तो हम यहाँ पर दे देते हैं मोबाइल, सेम वैल्यू से भी गेट करा सकते हो क्योंकि हमेशा पीएचपी करंट वैल्यू को रन करता है। अभी यहाँ पे हमने देखा था इसके पहले वैल्यू वैल्यू था तब भी यहाँ हमारा मेरे को यहाँ पर मोबाइल नंबर डिस्प्ले हुआ था। ठीक है, तो अब वेरिएबल अपने हिसाब से यूजर फ्रेंडली हम बना रहे हैं। यदि आप सेम यूजर नेम भी यहाँ करेंगे तो इसके लिए यूजर नेम डिफरेंट हो गया, मतलब एक साथ करंट वैल्यू को एग्जिस्ट करने के बाद दूसरी जो है करंट वैल्यू इसको उठाएगी, लेकिन हमें यूजर फ्रेंडली बनाना है तो इसलिए हम यहाँ पे मोबाइल की जगह पर मोबाइल नाम का वेरिएबल ले लिया। यहाँ पे हमने कर दिया मोबाइल, ठीक है। जो हमने ये लिखा है ना वही यूज एम आई बी एल, ठीक है। ये जो वेरिएबल जो हम लिखेंगे सेम होना चाहिए, मतलब ये और ये सेम होगा। जब आप इसे क्लिक करोगे ना डबल क्लिक, देखो हाईलाइट कर देंगे ये सेम होना चाहिए, तो किसी को आप ये को कराओगे ना जनरली। अब देखिए अब ये जो है आपको लाइन ब्रेक में मिलेंगे, ठीक है। यूजर नेम ये और यूजर नेम वेबसाइट मेकर किंग, मोबाइल नंबर ये। अब ये देखिए ना डायनेमिक हो गया, आप यहाँ से एडिट चेंज भी करोगे ना तो डिफरेंट आएगा। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं जय माता, चेंज हो जाए अपडेट करोगे, जैसे अबाउट अस का कंटेंट चेंज हो रहा था उस तरह ये भी डायनेमिक चेंज होगा, ठीक है। बोलो देखिए जय माता, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो, थोड़ा सा इसको थोड़ा अच्छा कर दिया जाए, मतलब थोड़ा स्पेसिंग आ जाए, थोड़ा सही कर देते हैं स्पेस आ जाए, और इसको थोड़ा सा H2 में ले लेते हैं ना, ठीक है परफेक्ट। उसी तरह आप यहां पर ठीक है मोबाइल नंबर ऐसे थोड़ा सा बोल्ड में दिख रहा है, ठीक लग रहा है ना, क्योंकि एचटीएमएल मैंने यहाँ पे यूज कर दिया तो बोल्ड। तो इसी तरह सारी की सारी वैल्यू को आप यूज कर सकते हो एसीएफ का यूज करके, ठीक है। तो मैं जितना यूज कर रहा हूँ ये सब आपको यहाँ पर डिस्प्ले करा देता हूँ, बाकी आप इसका एक बार डॉक्यूमेंटेशन देख लेना, मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। यही वैल्यू क्या है, फील्ड नेम इंपॉर्टेंट होता है, गेट गेट फील्ड ये फंक्शन है एसीएफ का, इसका यूज कीजिए। और टेक्स्ट फील्ड में मतलब जो है मेटा की है ये आप डालिए और इसको किसी वैल्यू में वेरिएबल में स्टोर कराइए और इको करा दीजिए। और कई कई बार जो होता है उसके आईडी के साथ जब कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो कभी कभी जो है नहीं प्रिंट होता तो आईडी का यूज करके प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब देखिए अब ये हो गया मोबाइल नेम हो गया। अब जो है मैंने ये इसकी यूजर की फोटो गेट करनी है, ठीक है। तो यूजर की फोटो गेट करने के लिए, ठीक है, आपको फिर से कॉपी कीजिए इसको, ठीक है। यहाँ पे एक बी आर टैग दे दीजिए, न्यू लाइन में आइए, ठीक है दोस्तों। बेसिकली आप लोग इस फंक्शन पे ध्यान दीजिए, ये सब तो एचटीएमएल का है, कोई चक्कर नहीं है। तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि लाइन ब्रेक हो, इसलिए यूज कर रहा हूँ वीआर टैग का, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमें इसकी फोटो का एक वेरिएबल बना लेते हैं, फोटो, ठीक है, फोटो, ठीक है, फोटो बना लेते हैं और फोटो का ये ले लेते हैं मेटा की, यहाँ पर फोटो ले लेते हैं, ठीक है, ओके फोटो ले लिया। और इसको ऐसे नहीं प्रिंट होगा, इसको इमेज में लोगे, इमेज एसआरसी के अंदर लोगे तब बात बनेगी आपकी, ठीक है जी, तभी बात बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी। तो यहाँ पे हम इसको
क्लोज कर देते हैं PHP को, ठीक है, PHP को क्लोज करके यहाँ पर इमेज SR से ले लेते हैं, HTML का टैग है, ठीक है, MJ इमेज SRC, ओके, इमेज SRC लेने के बाद, ठीक है दोस्तों, तो इमेज SRC लेंगे, ठीक है, इमेज SRC ये जो है HTML का टैग है, ठीक है, तो हमने जो है गेट फील्ड ले लिया फंक्शन ACF का, उसके बाद यूजर फोटो यानी जो हमारा मेटा की हो गया, यूजर फोटो, ठीक है, मेटा की हो गया, इसको हमें तो फोटो नाम वेरिएबल मिल गया। यदि आप इसको डायरेक्ट ऐसे प्रिंट करोगे ना मेरे दोस्त मेरे भाई, तो ये नहीं बात बनेगी, क्योंकि आपको करना होगा क्या, डॉलर फोटो, ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ठीक है, अब जब इसको सेव करोगे ना ब्रो, फिर देखिए क्या आता है, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, ऐसे बंद किया जाएगा, ठीक है, तो इसके लिए जो है आप देखिए इसी का डॉक मैंने खोला, अब इसमें बता रहे थे आप इमेज को यूज करना चाहते हो, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर बड़ी बकायदे अच्छे से दिया है कि आप जो है इमेज में गए, यहाँ से इमेज ऐड कर दिए, जो अब तक मैं करता आ रहा हूँ, ठीक है, ओके, उसके बाद आपको वहां पर डिस्प्ले कराना है तो आपको URL देना पड़ेगा, ठीक है, यही बता रहा है, ठीक है, ये जो इतनी चीजें जो लिखा है इसने, इस सारे चीज को मैंने एक सिंपल से इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है ब्रो, बस केवल आपको इसके आगे ऐसे करके, ठीक है, URL लिख देना है बस, ठीक है जनाब, अब इसको सेव करिए और इसके बाद अब यहाँ पर देखिए, देखिए बूम आ गया ना, ठीक है, अब देखिए यही चीज आपको बता रहा है, ये कीजिए वो कीजिए, हैं, इतना मतलब इतने को जो है, ठीक है, इतने चीज को, ठीक है, कैसे क्या करना है, इतना चीज को डिस्प्ले इमेज कराने के लिए ऐसे ऐसे किया, और मैंने क्या किया, सिंपल आपको बताया, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, जो आप करते आ रहे अब तक, इसकी फंक्शन को यूज किया गेट फील्ड, इसका मेटा की डाल दिया, इसको एक वेरिएबल में ले लिया, और ये क्योंकि इमेज है इसलिए इमेज SRC आप यूज किए, ठीक है, और यहाँ पे फोटो लिखिए और उसके बाद URL कर दीजिए, बस आपका फोटो आ जाएगा, ठीक है, ये तो आ गया, लेकिन थोड़ी सी इसकी हाइट जो है, थोड़ा हाइट भी थोड़ा सेट कर लें, क्योंकि भाई जी ये बहुत ही ना इसकी बड़ी आ रही है हाइट, थोड़ा सा अपने हिसाब से कर लेते हैं, 300 रख लेते हैं, इसके विड्थ रख लेते हैं, और हाइट GHT हाइट जो है रख लेते हैं हम, 300 हाइट भी रख लेते हैं, ओके, यहाँ पर देखिए पिक्सल लगाने की जरूरत नहीं है, आप लगा भी सकते हो, लेकिन इमेज में पिक्सल नहीं, बस इसी तरह लिखा जाता है, ठीक है, ये रूल होता है, बाकी जब मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा ना HTML की, फिर मैं आपको बताऊंगा, अभी फिलहाल अपना काम से लिखिए, अब आ गया, ठीक है ना, पहले क्या था, इतना बड़ा आ रहा था, ठीक है, क्यों आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन नहीं था, मैंने दे दिया, अब देखिए यहाँ पे इसको न्यू टैब में ओपन किया, तो ऐसे, ठीक है, अब हमारा क्या बचा, हमारा सारा कुछ हो गया है, अब हमारा एक और चीज बचा है, वो ये है डॉक, ठीक है, तो क्या करते हैं हम इसके लिए, ये तुम्हारा है, इसको ऐसे करते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने कर दिया, इसके अंदर ऐसे रखते हैं इसको, ठीक है जी, और यहाँ पर दे देते हैं डिस्क्रिप्शन, वेरिएबल चेंज कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन कर देते हैं, शॉर्ट लिख देते हैं डेस, ठीक है, और यहाँ पर जो है इसका मेटा की यूज करते हैं, यूजर डिस्क्रिप्शन, यूजर डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, और फिर इसको हम ईगो करा देते हैं, तो जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वो भी आ जाएगा, ठीक है ब्रो, अब देखिए हमारा डिस्क्रिप्शन भी आ गया, ठीक है, अब ये देखिए, अब जो भी मैंने यहाँ पे बनाया सारा का सारा कंटेंट डायनेमिक हमने इस टेम्पलेट पर गेट करा लिया, ठीक है, तो इसी तरह जब आप मल्टीपल टेम्पलेट अपना बनाते जाइए अपने हिसाब से, और
उसी के रिकॉर्डिंग अपना नाम भी यहाँ, जैसे मैंने एसीएफ टेम्पलेट था इसलिए मैंने यहाँ कर दिया कुछ, जो भी आपकी मिलता जुलता जो नाम हो आपके प्रोजेक्ट का, या वेलकम पेज बना रहे हैं तो वेलकम पेज टेम्पलेट ऐसे कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट अस टेम्पलेट, ठीक है, जो अच्छा लगे वो अपना नाम दीजिए, ठीक है, उसके बाद कमेंट कीजिए, गेट हेडर कीजिए, और इस जो डॉक को, इतने लंबी चौड़ी डॉक को मैंने यहाँ पे समराइज किया है, इसका यूज कीजिए, गेट फील्ड कीजिए, मतलब फंक्शन है एसीएफ का, इसको कॉल कीजिए, उसके बाद मेटा की यूज कीजिए और इसको इको करा दीजिए, ठीक है जी। तो क्या है कि अब यहाँ पर बीआर लगा देते हैं और इसको ले लेते हैं एक डीव में, डीव में इसलिए ले लेते हैं क्योंकि ये देखिए थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, इसीलिए डीव का मैं दे देता हूं मेन मेन टेम्प नाम से दे देता हूं, ठीक है। इस डीव को यहां पे कर देते हैं क्लोज, ठीक है, ओके, यहां पर क्लोज कर देते हैं क्योंकि यहां पे आप देखोगे तो चिपक के आ रहा है, ये अच्छा नहीं, थोड़ा सा कर देते हैं, कुछ नहीं करना होता है, क्लास बनाइए, डीव लिखिए, उसका क्लास नाम कर दे दीजिए, ठीक है, ये आ गया है, इसको दे देते हैं, ऐसे ऐड कर देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं पैडिंग, दे देते हैं पैडिंग 20 पिक्सल कर देते हैं, तो 20 पिक्सल करने पर थोड़ा सा अच्छा आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा पैडिंग 49 कर देते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसी के ऊपर, ठीक है, स्टाइल style स्टाइल लिख के लाइन से ऐसा यूज कर रहे हैं ब्रो, क्लोज कीजिए स्टाइल को और यहां पे उठा के इसको रख दीजिए। अब जो है पहले आपका कैसे आता था, पहले आपका ऐसे आता था, ठीक है, अब देखिए, अब लोड कीजिए, अच्छा रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो है आप सेट कर लिए, पूरी डायनेमिक हो गई, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी एसीएफ की सेकेंड वीडियो ट्यूटोरियल होगी। तो अभी तक जो भी आपको समझ में नहीं आया है आप हमें कमेंट कीजिए, ठीक है, और मैं आप लोगों के सारे सवालों का जवाब दूंगा। और कुछ नहीं है, आसान है भाई, एसीएफ का यूज करके आप अपने वेबसाइट को नचा सकते हो, मतलब नचाने का इन द सेंस की मतलब आप उसमें सारे लेवल का कस्टमाइज कर सकते हो। उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल एसीएफ प्लगइन डाउनलोड करना है, थोड़ा मोड़ा ये डॉक्यूमेंट पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं, हमारी वीडियो देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे जाइए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देख लीजिए, सारा का सारा डाउट आपका क्लियर हो जाता है। और उसके बाद भी नहीं होता है तब हमें कमेंट कीजिए, मैं फिर से उस कमेंट में आपको क्लियर कराऊंगा, या आप लोगों के लिए स्पेशली इससे भी सिंपल भाषा में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए, कोडिंग करते रहिए, हैप्पी कोडिंग, जय माता दी, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।